बेखुदी बेसबब नहीं हमदम, बेखुदी बेसबब नहीं हमदम, कुछ तो बात है मेरे अफसाने में। ये अफसाने दोस्तों यूं ही नहीं बन जाया करते, इनको लिखने और पढ़ने के लिए बहुत सारी मेहनत की ज़रूरत होती है। ख़ास तौर पे लिखने वाला जब लफ्ज़ों का इंतखाब करता है तो उन लफ्ज़ों में एहसास और जज्बात के साथ साथ रूह भी फूंक देता है, और ये रूह हमारी रूह तक पहुँच कर हमें एहसास दिलाती है जीने का, खुश रहने का, और वो तमाम यादें बटोरने का जो हमारी ज़िंदगी का अक्स बनकर रह गई हैं। क्योंकि बीते हुए लम्हात सिर्फ और सिर्फ आईने की तरह शफाफ तब नज़र आते हैं जब आप ख्वाब देखते हैं, और उसके अलावा ये हसीन तरीन एहसास और जज्बात हमें वो जीने पर दोबारा मजबूर कर देते हैं। क्योंकि हसीन और ख़ूबसूरत इत्तफाकात हों, हादसात हों या फिर ख्यालात, कहीं ना कहीं दोबारा जीने में मज़ा तो आता है। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए प्रोग्राम रंग महफिल आकाशवाणी रेनबो पर। खुदी ने कहीं से खयाल
मेरे दिल में कौन है तू के हुआ जहां अंधेरा, मेरे दिल में कौन है तू के हुआ जहां अंधेरा, वही सा दिए जलाए तेरे रुख की चांदनी ने गई FM Rainbow 102.6 Dil Se Dil Tak Akashwani FM Rainbow Himalay ki god se lekar Andaman ke khoobsurat white sand aur blue water beach tak साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक
नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक, खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है तो सुनना ना भूलें रेनबो डेस्टिनेशंस हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर। दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर। यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे। आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6, दिल से दिल तक। सिमट के आपकी बाहों में आ
गए हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए ओ हो हो आहा आहा ला 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 ओ हो 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 परछाइयों तले हाथों में हाथ थाम के जब साथ हम चले शाखों से फूल टूट के राहों में आ गए हम जब सिमट के आपकी बाहों लाखों हसीन ख्वाब निगाहों में आ गए हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए सबका चेहरा तेरे जैसा क्यों है सबका चेहरा तेरे जैसा क्यों है ये मुझे वहम सा होता क्यों है आओ ये बैठ के सोचें हम भी आओ ये बैठ के सोचें हम भी इश्क होता है तो होता क्यों है 10:24:32 हिना मौज के साथ हैं आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग महफिल और ये खूबसूरत महफिल सजी है आकाशवाणी रेनबो पर Thank you.
दोस्तों, जिंदगी के तजुर्बों से कहीं ना कहीं एक शायर बहुत सारी ऐसी चीजें उठा लेता है जिनकी जो तसव्वुर है वो भी हमारे जहन में नहीं आता। और ऐसे ही तजुर्बात के साथ जब लफ्ज इकट्ठे होते हैं तो ऐसे खूबसूरत नगमों की तामीर होती है, और ये नगमे जब बन जाते हैं तो हमारे दिलो जहन पर असरअंदाज हुए बगैर हम रह नहीं पाते। ऐसे ही खूबसूरत नगमों का आज चयन किया है और कोशिश कर रही हूँ कि आप तक पहुँचाऊँ और आपको इन खूबसूरत से नगमों के साथ चहकता हुआ महसूस करूँ। बहुत सारे मैसेजेस हम तक पहुँच रहे हैं, लेकिन ये प्रोग्राम मैसेजेस का नहीं है, इसीलिए मैसेजेस नहीं पढ़ रही हूँ। लेकिन ऑन एयर ना पढ़ने के बावजूद भी पर्सनल तौर पर मैं उन सबको पढ़ रही हूँ, और वो बहुत खूबसूरत और बहुत ही हिम्मत देने वाले मैसेज हैं। इस तरीके के मैसेज हमारे सारे लिसनर्स जब हमें करते हैं तो हमारी हिम्मत बढ़ जाती है और हम कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा प्रोग्राम, अच्छे से अच्छे नगमे आप तक पहुंचा सकें। और इस कोशिश में हम कितने कामयाब रहते हैं ये सिर्फ और सिर्फ आप बताते हैं हमें व्हाट्सएप मैसेजेस के ज़रिए। और वो मैसेजेस चाहे हमारे प्रोग्राम में शामिल ऑन एयर हों या ना हों, लेकिन हमारी सारी प्रेजेंटर्स और रेनबो की टीम उन सबको पढ़ती भी है और उन पर अमल करने की कोशिश भी करती है। बहरहाल, ये खूबसूरत से नगमे जिनको आज हम रंगे महफिल में आप तक पहुंचा रहे हैं, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आ रहे होंगे। लफ्ज़ मौसिकी का यह हसीन सिलसिला जारी और सारी है, तो हमारे साथ बने रहिए और कहीं पे भी मत जाइए रेनबो को छोड़कर। आज कल शौक दीदार है, क्या कहूँ आपसे प्यार है। आज कल शौके दीदार है, आज कल शौके दीदार दीदार है, क्या कहूँ आपसे प्यार है, क्या कहूँ क्या कहूँ आपसे प्यार है, प्यार है प्यार है। प्यार वो चीज है जिससे ऐ नाज़नी पहले इनकार करते हैं सारे हंसी, फिर ये कहते हैं इकरार है, फिर ये कहते हैं इकरार इकरार है, क्या कहूँ आपसे प्यार है, क्या कहूँ क्या कहूँ आपसे प्यार है, प्यार है प्यार है। और बड़ी बात मत भूलिए, देखिए अपनी औकात मत भूलिए, किस्सा इश्क बेकार है, किस्सा इश्क बेकार बेकार है, क्या करूँ मैं अगर प्यार है, क्या करूँ मैं अगर प्यार है, प्यार है प्यार है। आपकी हर अदा पर मैं कुर्बान हूँ, कुछ तरस खाइए मैं भी इंसान हूँ, किस लिए मुझसे तकरार है, किस लिए मुझसे तकरार तकरार है, क्या कहूँ आपसे प्यार है, क्या कहूँ आपसे प्यार है, प्यार है प्यार है। आप सुन रहे हैं FM Rainbow 102.6 दिल से दिल तक। आकाशवाणी FM Rainbow।
सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर। So welcome to the folk music special. देखिए रेलिया तो उसको बैरन उसका सैया ले गई थी, लेकिन मालिनी बैरन हमरा दिलवाए ले गई। भारत का अमृत कलश हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शब्द कीर्तन, कोई बोले राम राम। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना चैनल। सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6 दिल से दिल तक।
मौत का जाल भी हो तकदीर है उसी की जो ले इनसे काम भी रंग महफिल है आग भर के लिए सोचना क्या भी सहर के लिए दस बजकर 41 मिनट 40 सेकेंड इन खूबसूरत नगमों के बीच वक्त कहाँ गुजर रहा है पता ही नहीं चल रहा। सुन रहे हैं आप रंगे महफिल हिना मौज के साथ आकाशवाणी रेनबो पर। खूबसूरत लफ्ज़ मौसिकी के साथ साथ हम कोशिश कर रहे हैं उन गोशों को, उन लम्हात को टटोलने की जो लफ्ज़ों की शक्ल इख्तियार करके गज़ल या नगमों में तब्दील हो जाते हैं, और ऐसे ही नगमे हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं रंगे महफिल में। खूबसूरत नगमों से एहसास ये होता है कि भाई बजाए सीने के आँखों में दिल धड़कता है, बजाए सीने के आँखों में दिल धड़कता है, ये इंतज़ार के लम्हे अजीब होते हैं। वाकई इंतज़ार के लम्हे बड़े अजीब व गरीब होते हैं, लेकिन इन इंतज़ार के लम्हात के गुज़र जाने के बाद जो मिलन का मज़ा आता है वो इंतज़ार को और उसकी अजियत को बहुत हद तक ख़त्म कर देता है। लेकिन कहते हैं ना कि इंतज़ार के बाद मिली हुई चीज़ की हम कदर करते हैं। आसानी से कोई चीज़ अगर मिल जाए तो उसकी इंसानी तौर पर कदर थोड़ी कम ही हो जाती है, लेकिन अगर इंतज़ार करने के बाद थोड़ी जद्दोजहद के बाद हमें कोई चीज़ मिलती है, ख़ास तौर पर मोहब्बत, तो ताउम्र उसकी हम कदर करते हैं, क्योंकि वो एक खुदा का दिया हुआ तोहफा मानंद होती है हमारे लिए।
उधर तुम हंसी हो इधर दिल जवां है ये रंगीन रातों की एक दास्तां है उधर तुम हंसी हो इधर दिल जवां है ये रंगीन रातों की एक दास्तां है ये कैसा है नगमा ये क्या दास्तां है बताए मोहब्बत मेरा दिल कहां है ये कैसा है नगमा मेरे घर में आई हुई है बहार कयामत है फिर भी करूं इंतजार मेरे घर में आई हुई है बहार कयामत है फिर भी करूं इंतजार मोहब्बत कुछ ऐसी सदा दे रही है मोहब्बत कुछ ऐसी सदा दे रही है कि खुद रात लंगड़ाइयां ले रही है किधर देखती हूँ नजारा उधर तुम हंसी हो इधर दिल जवां है ये रंगीन रातों की एक दास्तां है ये कैसा है नगमा ये क्या दास्तां है बताए मोहब्बत मेरा दिल कहां है ये कैसा है नगमा सुलगती है तारों की परछाइयां बुरी है मोहब्बत की तन्हाइयां सुलगती है तारों की परछाइयां बुरी है मोहब्बत की तन्हाइयां महकने लगा मेरी ज़ुल्फ़ों में कोई महकने लगा मेरी ज़ुल्फ़ों में कोई लगी जागने धड़कने सोई सोई मेरी हर नजर आज दिल की जुबां है उधर तुम हंसी हो इधर दिल जवां है ये रंगीन रातों की एक दास्तां है ये कैसा है नगमा ये क्या दास्तां है बताए मोहब्बत मेरा दिल कहां है ये कैसा है नगमा तरसता हूँ मैं ऐसे दिलदार को जो दिल में बसा ले मेरे प्यार को तरसता हूँ मैं ऐसे दिलदार को जो दिल में बसा ले मेरे प्यार को तेरे ख्वाब है मेरी रातों पे छाए तेरे ख्वाब है मेरी रातों पे छाए मेरे दिल पे है तेरी पलकों के साए कि मेरे लबों पर तेरी दास्तां है उधर तुम हंसी हो इधर दिल जवां है ये रंगीन रातों की एक दास्तां है ये कैसा है नगमा ये क्या दास्तां है बताए मोहब्बत मेरा दिल कहां है ये कैसा है नगमा भाई किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि लहू मांगती है कितना हमसे पूछे कोई कि लहू मांगती है कितना गजल हमसे पूछे कोई कि लहू मांगती है कितना गजल सब समझते हैं ये धंधा बड़े आराम का है जी हाँ हुजूर ये बिल्कुल भी आराम का नहीं है काम क्योंकि गजल लिखना कोई आम बात नहीं है कोई भी शायर जब कलम उठाता है और कागज पर तहरीर करता है एहसास व जज्बात को तो वो लफ्ज अपने आप कागज पर बोलने लगते हैं और उन लफ्ज़ों को जब हम पढ़ते हैं तो हमें किसी भी तरीके के एहसास व जज्बात को फील करने के लिए कोई भी तासुर जो है वो चेहरे पर लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो लफ्ज़ हमारे हर तासुर को बयान करने की ताकत रखते हैं और ऐसी ही गज़ल ऐसे ही नगमे आम फहम हो जाते हैं जो कहीं ना कहीं एक आम इंसान के दिल की आवाज़ बन जाते हैं आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा
आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। ऐसी बातें न करो हंसी जादूगर, मेरा दिल तेरी आंखों में खो जाएगा। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। पीछे पीछे मेरे आप आती हैं क्यों, पीछे पीछे मेरे आप आती हैं क्यों, मेरी राहों में आंखें बिछाती हैं क्यों, आप आती हैं क्यों। क्या कहूँ आपसे ये भी एक राज है, हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। कैसी जादूगरी की अरे जादूगर, कैसी जादूगरी की अरे जादूगर, तेरे चेहरे ऐसी नजरों से देखा अगर आपने, शर्म से रंग गुलनार हो जाएगा। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। ऐसी बातें न करो हंसी, सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6 दिल से दिल तक। आकाशवाणी FM रेनबो। Thank you.
10:55 6 सेकंड कौन आपकी जिंदगी में फासलों से गुजर रहा है और आपकी जिंदगी का मरकज बना हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ आप जानते हैं। वैसे भी किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ये कुछ पर्सनल चीजें इंसान को अपने तक ही रखनी चाहिए, लेकिन खूबसूरत साए जो होते हैं ना दोस्तों, वो आपका पीछा करते हैं और कभी भी साथ नहीं छोड़ते। और ऐसे ही खूबसूरत साए आपकी जिंदगी में बरकरार रहें, जो आपके कदम ब कदम चलते रहें, इसी उम्मीद और ख्वाहिश के साथ हिना मौज आप सब से रुख्सत तलब करती है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, शब खैर। अब आप अमन यादव से समाचार सुनिए।
लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। इस चरण में 10 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीट पर कल मतदान होगा। इनमें असम की 4, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 7, गोवा की 2 सीटें, गुजरात की सभी 26 सीट, कर्नाटक की 14, मध्य प्रदेश की 8, महाराष्ट्र की 11, उत्तर प्रदेश की 10, पश्चिम बंगाल की 4, दादर नगर हवेली की 2 और जम्मू की 1 सीट शामिल है। 7वें और अंतिम चरण की अधिसूचना कल जारी होगी। इस चरण में 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 लोकसभा सीटों पर 1 जून को मतदान होगा। इस महीने की 14 तारीख तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। इस बीच शेष 4 चरणों के लिए प्रचार तेज हो गया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता जनसभाएं और रैलियां कर रहे हैं। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में एक रैली में कांग्रेस पार्टी और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश की जनता ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। श्री मोदी ने कहा कि देश आज रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के शानदार रास्ते पर चल रहा है और तेजी से विकास कर रहा है। इससे पहले उड़ीसा के गंजाम जिले के बरहामपुर में श्री मोदी ने कहा कि भाजपा ने हमेशा सुशासन पर ध्यान दिया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि उड़ीसा में पार्टी को सत्ता मिलने पर ही विकास की नई इबारत लिखी जाएगी। गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अन्य पिछड़ा वर्ग विरोधी है और उनके हितों की कीमत पर धर्म आधारित आरक्षण लागू कर रही है। बिहार के उजियारपुर के सराय रंजन के नरघोगी में एक जनसभा में श्री शाह ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस ने ओबीसी के आरक्षण में कटौती करते हुए मुसलमानों को 5% आरक्षण दिया और इसी तरह धर्म के आधार पर आंध्र प्रदेश में भी आरक्षण दिया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने कहा है कि ये संविधान बचाने का चुनाव है। श्री गांधी ने आज मध्य प्रदेश के रतलाम के जोबट में एक जनसभा में आरोप लगाया कि भाजपा और आरएसएस संविधान को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो आरक्षण की 50% की सीमा बढ़ाएगी। प्रवर्तन निदेशालय ने आज रांची में कई स्थानों पर छापेमारी की। एजेंसी ने झारखंड के वीरेंद्र राम गिरफ्तारी मामले में राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के नौकर के घर से 26 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी जब्त की। ईडी ने सरकारी योजनाओं को लागू करने में कथित अनियमितताओं से संबंधित धनशोधन मामले में पिछले साल झारखंड ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अभियंता वीरेंद्र कुमार राम